हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं मेरे प्यारे से दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो देखिए, हमारे छपरा शहर में आया हुआ था डायमंड स्टार जादूगर हेमराज, जो कि मैं आज तक कभी भी जादूगर नहीं देखी हूँ कि जादूगर होते कैसे हैं और जादू दिखाते कैसे हैं, कभी भी आज तक मैं नहीं देखी हूँ। तो मैं पहली बार यहाँ आई हूँ देखने के लिए। जिद था बाबू लोगों का कि नहीं, हमें जाना है जादूगर देखने, तो बच्चे लोग के साथ मुझे भी मौका मिल गया देखने के लिए। छोटा वाला बाबू तो आते ही यहाँ पे कूदने लगा पूरा, और यहाँ पे जो है टिकट का काउंटर लगा हुआ था, यहाँ पे रेंज वगैरह है कौन सी टिकट कितने की है, और यहाँ पे काफ़ी सारा पोस्टर है। पोस्टर देख के बहुत अच्छा लगा, पर मैं आज तक कभी देखी भी नहीं थी। फिल्मों में देखा है कि हाँ जादूगर हो जो होते हैं किस तरीके से जादू दिखाते हैं, पर रियल में आज तक मैं नहीं देखी थी। मैं पहली बार यहाँ आई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि आज आखिर मैं जादूगर जो है देख ही लूँगी कि किस तरीके से जादू दिखाते हैं। बच्चे लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा, और इधर जो है वो बात कर रहे हैं, और पूरी की पूरी अभी खाली है क्योंकि हम लोग को आने में लेट हो गया है। तो यहाँ पे जो है शो पहला जो है चालू हो चुका था, हम लोग को थोड़ी लेट हुई, पहला शो शुरू हो गया है। थोड़ी देर के बाद जो है दूसरा शो जो है चलेगा, तो उसमें हम लोग जाएंगे। तो तब तक काफ़ी सारा लोग सोचे कि हम लोग इंजॉय कर ले थोड़ा सा, बाहर का एरिया का जो है वीडियो वगैरह फ़ोटो निकाल ले। तो यहाँ पे बाबू लोग जो है खेल रहे थे, और इस तरीके से सब कुछ बाहर का जो है लगा हुआ था पोस्टर वगैरह। फिर हम लोग थोड़ी ही देर में अंदर जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या जादूगर है, किस तरीके से शुरू होती है। तो ये जो जादूगर है ना, बहुत ही मशहूर है, डायमंड स्टार जादूगर हेमराज, ये प्रयागराज से आए हुए हैं, और आज मैं देखूंगी जादूगर किस तरीके से जादूगर दिखाया जाता है। तो बच्चे लोग तो काफ़ी खुश थे, देखिए वहाँ बाइक के आईने में मैं दिख रही हूँ, आप देख सकते हैं, देख लीजिए मुझे भी। तो हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा खुश थे, बाबू लोग भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन लोगों को देखना था जादूगर यहाँ पे जो है। आप सब अगर आना चाहे तो आइए ज़रूर, बहुत अच्छा जादू है ना, बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं। मैं गई देखी, बहुत अच्छा लगा जादूगर देख के। और इसके बाद क्या हुआ, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट मोमेंट ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा मेरे प्यारे से दोस्तों। वीडियो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप सब कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये जो है ना बात कर रहे थे, किसी का कॉल आ गया तब तक, और फिर हम लोग का टाइम भी हो गया, तो हम लोग आ चुके हैं और आके बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं तो इस तरीके से कुछ शुरुआत होती है, जो कि आप पीछे साउंड सुन सकते हैं। काफ़ी देर इस तरीके का, मतलब कि पीछे से जो है साउंड वगैरह आ रहा था, जादू के बारे में बता रहा था कि किस तरीके से पहले के ज़माने में जादू होते थे और अब क्या क्या है, सो सारा कुछ डिटेल्स बताया है। उसके बाद से जो है फिर जादू शुरू हुआ, तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी वीडियो मैंने जादू की जो है शूट की हुई है, आप ज़रूर देखिए पूरी वीडियो, नहीं कीजिएगा लास्ट का मोमेंट तो बिल्कुल देख नहीं कीजिए।
आपके सामने इंडियन मैजिक बुक। ये आपको बताएगी जादू का इतिहास, अतीत और वर्तमान। ये है जादूगर और ये है पीटी तरह। इन्होंने अपने जादुई कला से दोस्तों जादूगर है तो जादूगर के हाथ में जादू की छड़ी होती है, नहीं थी इसलिए हम हार गए। अब इसी छड़ी से आप सबको हिप्नोटाइज करूंगा, मिस्मराइज करूंगा और गाइस पैरालाइज करूंगा। थोड़ी बहुत वीडियो जो है मैंने शूट किया हुआ था, ये हमारा आखिरी का जो था मोमेंट था। इसके बाद जो है जादू समाप्त हो जाएगी, जादू खत्म हो जाएगी। ये लास्ट है जादू का जो दिखाना है वो दिखा चुके हैं, ये लास्ट जादूगर थे, जादू थे। और फिर इसके बाद जो है जादू ख़त्म हो चुका है और हम लोग जाएंगे अब। तो जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे सो देखिए अब, दिल थाम के। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। काफ़ी अजूबा अजूबा चीज़ देखने को मिला था मुझे, तो बहुत खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं पहली बार जादू देखी हूँ, पहली बार आई थी जादू देखने के लिए। अब तक का सफ़र में मैंने अपने लाइफ के जादू नहीं देखा था, सच में जादू मैं नहीं देखी थी आज तक, पहली बार देखी हूँ। आप लोग हंस भी रहे होंगे शायद ये बात सुन के, बट कोई बात नहीं, जो सच थी वो मैं बता दी। उसके बाद हम लोगों ने जादूगर हेमराज जो कि प्रयागराज से आए हुए थे, हमने इनके साथ फ़ोटो भी शूट कराया बहुत सारा। और फिर जो है आखिरी फ़ोटो जो मेरे साथ सिंगल इनकी थी, ये अपने बारे में बहुत सारे इंट्रोडक्शन भी दिए।